बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो हमें तीन वेक्टर गिवन है ए बी और सी। रिक्वायर्ड ये है कि फॉर एक वेक्टर वी मालूम कर लें जिसका मैग्नीट्यूड हमारे साथ सेक्स है एंड पैरेलल टू 2a-b+3c। ऐसा वेक्टर मालूम कर लें वी, हमने इसको वेक्टर वी का नाम दिया, ठीक है। एक वेक्टर मालूम कर लें जिसका मैग्नीट्यूड सेक्स है, परस कर ये वो वेक्टर हमारे साथ वी है, ठीक है। और वो वेक्टर v पैरेलल टू 2a-b+3 इसके पैरेलल है, ठीक है। मतलब ये वेक्टर और जो वेक्टर मालूम करना है वो एक डायरेक्शन में है। पैरेलल मतलब कि एक डायरेक्शन में, मतलब इसका यूनिट वेक्टर बराबर होगा। अगर हम इसका यूनिट वेक्टर मालूम कर ले और इसका, तो ये हमारे साथ आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हमारे साथ पहले हम ये वेक्टर 2a-b+3 मालूम कर दे, पर मैं इसको s का नाम देता हूँ, ठीक है। लेट s इज इक्वल टू 2a-b+3c, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 2 into a हमारे साथ है i+j+k माइनस बी, बी हमारे साथ है 4i-2j+3k और +3 into c। सी हमारे साथ है i-2j+k। तो s इज इक्वल टू 2i+2j+2k -4i+2j-3k +3i-6j+3k। तो s वेक्टर इज इक्वल टू 2i और i को ऐड कर ले, ठीक है। 2i-4i और +3i, तो 2+3 5 5-4 i आ गया। 2j+2j 4j 4j-6j -2j, ठीक है। और 2k-3k+3k से हमारे साथ 2k आ गया। तो हमारे साथ s वेक्टर हमारे साथ आ गया i-2j+2k, ठीक है। अब इसका यूनिट वेक्टर हम मालूम करते हैं, ठीक है। तो s यूनिट वेक्टर बराबर होगा s वेक्टर डिवाइड बाय s मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो s वेक्टर हमारे साथ ये है i-2j+2k डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड 1² + -2² + 2² अंडर द रूट, ठीक है। तो s हमारे साथ आ जाएगा s यूनिट वेक्टर i-2j+2k और ये 1+4+4 अंडर द रूट। तो s यूनिट वेक्टर हमारे साथ आ जाएगा i-2j+2k डिवाइड बाय 1+4+4 9 अंडर रूट 9। तो s यूनिट वेक्टर हमारे साथ i-2j+2k डिवाइड बाय 3, या s यूनिट वेक्टर 1/3i-2/3j+2/3k। हमें पता है कि जो वेक्टर रिक्वायर्ड है वेक्टर v, उसका डायरेक्शन मतलब वो पैरेलल है इस वेक्टर को, ठीक है। पैरेलल टू 2a-b+3 इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। मतलब कि इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर हमारे साथ बराबर है। मतलब कि s अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन v यूनिट वेक्टर बराबर होगा s यूनिट वेक्टर का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि v यूनिट वेक्टर हमारे साथ बराबर होगा 1/3i-2/3j+2/3k, ठीक है। v यूनिट वेक्टर इसके बराबर है और इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, इस v का मैग्नीट्यूड जो वेक्टर रिक्वायर्ड है उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है 6 है। तो अब इससे हम v वेक्टर मालूम कर सकते हैं, हमें पता है इसका ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। हमें पता है कि v यूनिट वेक्टर बराबर है वेक्टर डिवाइड बाई एट्स मैग्नीट्यूड। तो इससे हम v वेक्टर किस तरह मालूम करेंगे, v वेक्टर हमारे साथ बराबर होगा v मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय v यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो v यूनिट वेक्टर बराबर होगा 6
म्यूचुअल सेस के बराबर है और वी यूनिट वेक्टर बराबर है 1 ओवर 3 आई माइनस 2 बाई 3 जे प्लस 2 डिवाइड बाई 3 के। तो अगर इससे हम मल्टीप्लाई कर ले सेक्स से तो हमारे साथ इससे 2 आई आ जाएगा माइनस 4 जे और प्लस 4 के। तो हमारे साथ ये रिक्वायर्ड वेक्टर वी है जो मालूम है, ठीक है। तो हमारे साथ वेक्टर वी मालूम हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। हमारे साथ है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर व्हिच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर आर पी। पी पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है आई प्लस 2j माइनस k, आई प्लस 2j माइनस k। और क्यू हमें गिवन है माइनस आई प्लस जे प्लस के, माइनस आई प्लस जे प्लस के। और इन द रेशो ऑफ टू, तो रेशो को हम एम वन रेशो एम टू से डिनोट करते हैं, टू रेशो वन, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर मालूम कर ले इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ठीक है। तो इंटरनली और एक्सटर्नली के फार्मूले हमारे साथ है। इंटरनली अगर 2:1 से इंटरनली डिवाइड करता है तो इसका यूनिट, इसका पोजीशन वेक्टर मालूम कर ले, और एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला भी हमारे साथ है, ठीक है। तो पहले हम इंटरनली मालूम करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। इंटरनली इफ इट डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 2:1 इंटरनली, इंटरनली के लिए हम मालूम करते हैं पहले, ठीक है। तो फार्मूला हमारे साथ है पोजीशन वेक्टर के लिए, पोजीशन वेक्टर की फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 पोजीशन वेक्टर बराबर होगा, ठीक है। इसको हम कोई भी नाम x y z नाम दे सकते हैं। पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इस तरह दूसरे पॉइंट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और तीसरे पॉइंट के लिए m1 z2 प्लस m2 z1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू अब m1 हमारे साथ क्या है, m1 रेशो m2, m1 हमारे साथ 2 है, m1 हमारे साथ 2 है, और x2 ये x1 है 1, ये x2 है y1 है, ये z1 है, ठीक है। इधर से मैं लिखता हूँ x1 में लिखता हूँ x1 हमारे साथ है, x1 हमारे साथ है 1, y1 हमारे साथ है 2, और z1 हमारे साथ है -1, ठीक है। इस तरह x2 हमारे साथ है -1, y2 हमारे साथ है 1, और z2 हमारे साथ है 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय x2, तो x2 हमारे साथ है -1, और प्लस 2, m2 हमारे साथ क्या है 1 है, और x1 हमारे साथ क्या है 1, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 1। इसी तरह m1 y2, m1 हमारे साथ 2 है, y2 हमारे साथ 1 है, प्लस m2 y1, तो m2 हमारे साथ है 1, और y1 हमारे साथ है, ये हमारे साथ ये सारे y1 है, x1 y1, तो हमारे साथ 2 है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 1। इसी तरह m1 हमारे साथ है 2, z2 हमारे साथ है 1, प्लस m2 हमारे साथ 1 है, z1 हमारे साथ है -1, डिवाइड बाय 2 प्लस 1। तो पोजीशन वेक्टर हमारे साथ आ जाएगा -2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, ये हमारे साथ आ जाएगा 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 3, ठीक है। और ये हमारे साथ आ जाएगा 2 -1 डिवाइड बाय 3,
तो फिजिशियल मैग्नेट हमारे साथ आ जाएगा माइनस माइनस वन डिवाइड बाई थ्री फोर डिवाइड बाई थ्री अवर वन डिवाइड बाई थ्री। तो आप इसे ले सकते हैं माइनस वन ओवर थ्री आई माइनस वन ओवर थ्री आई प्लस फोर बाई फाइव जे प्लस फोर बाई थ्री जे और प्लस वन बाई थ्री के। ठीक है, अगर इंटरनली एक्सटर्नली रेशो टू रेशो वन से डिवाइड करते हैं तो इसका फार्मूला इस तरह होगा। पोजीशन वेक्टर का फार्मूला हमारे साथ आ जाएगा m1x2 माइनस m2 प्लस की जगह माइनस आ जाएगा डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और m1y2 माइनस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और m1z2 माइनस m2z1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सिर्फ इधर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, बेस इज इक्वल टू वही चीज है, सिर्फ इधर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो 2 n2 माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई टू प्लस वन और इससे हमारे साथ आ जाएगा टू इंटू वन माइनस वन इंटू टू डिवाइड बाई टू प्लस वन और ये हमारे साथ आ जाएगा एम वन हमारे साथ टू है और जेड टू हमारे साथ वन है माइनस वन इंटू वन डिवाइड बाई टू प्लस वन। तो हमारे साथ आ जाएगा माइनस टू माइनस वन डिवाइड बाई थ्री और ये हमारे साथ आ जाएगा 2 माइनस टू डिवाइड बाई थ्री और ये हमारे साथ आ जाएगा 2 माइनस वन डिवाइड बाई थ्री। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा माइनस थ्री डिवाइड बाई थ्री जीरो जीरो डिवाइड बाई थ्री मतलब जीरो और ये वन डिवाइड बाई थ्री। ये हमारे साथ आ जाएगा माइनस वन जीरो और वन डिवाइड बाई थ्री। तो ये पोजिशन वेक्टर हमारे साथ आ जाएगा माइनस आई और ये जीरो हो जाएगा और प्लस 1 बाई थ्री के। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ था सात दो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे साथ है ये इधर हमने ये हमारे साथ माइनस वन है। ठीक है, इधर हमने एक गलती की है, ये हमारे साथ माइनस वन है। ठीक है, जेड वन हमारे साथ माइनस वन है, इधर हमें पता है जेड वन हमारे साथ माइनस वन है तो ये माइनस माइनस हमारे साथ प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो थ्री डिवाइड बाई थ्री ये हमारे साथ आ जाएगा थ्री डिवाइड बाई। ठीक है, और इधर हमने बारमूली में एक ये हमारे साथ एम वन माइनस एक्स टू एम टू होगा। ठीक है, जब एक्सटर्नली हो ये हमारे साथ m1 माइनस m2 होगा। ठीक है, तो हमारे साथ ये आ जाएगा माइनस थ्री डिवाइड बाई ये 1 होगा 2 माइनस 1। ठीक है, और इधर e भी 2 माइनस 1 और इधर e भी हमारे साथ 2 माइनस 1। तो हमारे साथ 2 माइनस 1 से 1 आ जाएगा 2 माइनस 1 से 1 आ जाएगा 2 माइनस 1 से 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ ये माइनस थ्री डिवाइड बाई 1 जीरो डिवाइड बाई 1 और हमारे साथ थ्री डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा माइनस थ्री जीरो और थ्री। ठीक है, ये भी इक्वल टू माइनस थ्री आई और प्लस थ्री के। ठीक है, तो हमारे साथ पोजीशन वेक्टर मालूम हो गया जब ये एक्सटर्नली रिजॉल्व करता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे साथ है पॉइंट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइन पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर 5j एंड पॉइंट डी विद पोजीशन वेक्टर 4i + j एंड द रेशियो ऑफ 2 रेशियो 5 इंटरनली। ठीक है, 11 में हमारे साथ दो पार्ट थे, 11 में हमारे साथ दो पार्ट है। पॉइंट द पोजीशन वेक्टर नंबर 1 में क्या है, नंबर वन हमारे साथ है पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर 5j। पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है
जो कि बराबर है फाइव जे का पार्ट नंबर वन में, ठीक है। और एंड पॉइंट डी विद पोजीशन वेक्टर, पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर हमारे साथ था, ये पोजीशन वेक्टर अब पॉइंट सी है, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर अब पॉइंट डी हमें गिवन है, पोजीशन वेक्टर अब पॉइंट डी हमें गिवन है 4i+j इन द रेशो ऑफ 2:5। टू रेशो फाइव एम वन रेशो एम टू हमारे साथ है 2:5। तो पोजीशन वेक्टर का फार्मूला हमारे साथ है, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, और एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। तो इसी केस में हमारे साथ यही पोजीशन वेक्टर मालूम करना है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एम वन हमारे साथ टू है और एक्स टू ये हमारे साथ फाइव जैसी, एक्स वन हमारे साथ जीरो है, एक्स टू जे है, जे का कोएफिशिएंट हमारे साथ फाइव है। सर ये वाई वन है, वाई वन हमारे साथ फाइव है, इस तरह एक्स टू हमारे साथ फोर है और वाई टू हमारे साथ वन है, ठीक है। तो टू एंड टू एक्स टू, एक्स टू हमारे साथ क्या है फोर, प्लस एम टू हमारे साथ क्या है, एम टू हमारे साथ फाइव है, फाइव एंड टू एक्स वन, एक्स वन हमारे साथ है जीरो डिवाइड बाई 2+5 एम वन प्लस एम टू। अब और एम वन वाई टू, एम वन हमारे साथ टू है, वाई टू हमारे साथ वन है, प्लस एम टू हमारे साथ फाइव है, और वाई वन हमारे साथ बी फाइव है, ठीक है, डिवाइड बाई 2+5। तो पोजिशन वेक्टर इज इक्वल टू 2 4 8 डिवाइड बाई 7, और हमारे साथ आ जाएगा 2 2+25 27 डिवाइड बाई 7। तो हमारे साथ पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 8 / 7i + 27 / 7j, ठीक है। अब पार्ट टू हमारे साथ 11 क्वेश्चन में पॉइंट ई बेट पोजीशन वेक्टर 2i - 3j, ई का हमारे साथ है 2i - 3j। अगर एफ हमारे साथ है 3i + 2j, एफ हमारे साथ है 3i + 2j, और इन द रेशो ऑफ 4:3 मतलब m1:m2 हमारे साथ है 4:3, और एक्सटर्नली इसमें, इस केस में इंटरनली था और इसी केस में एक्सटर्नली है। तो जब एक्सटर्नली हो तो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला हम इस तरह लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू m1x2 - m2x1 डिवाइड बाय m1 - m2, और ये हम लिखते हैं m1y2y के लिए -m2y1 डिवाइड बाय m1 - m2, ठीक है, विच इज इक्वल टू, इसी केस में हमारे साथ m1 क्या है, m1 हमारे साथ 4 है, x2 हमारे साथ क्या है 3 है, -m2 हमारे साथ 3 है, और x1 हमारे साथ 2 है डिवाइड बाय 4 - 3, और इधर हमारे साथ m1 हमारे साथ 4 है, y2 हमारे साथ 2 है, -m2 m2 हमारे साथ 3 है, और y1 हमारे साथ -3 है डिवाइड बाय 4 - 3। तो हमारे साथ आ जाएगा 4 3 = 12 - 6 / 1, और 4 2 = 8 + 9 / 1, तो हमारे साथ आ जाएगा 6 और 8 + 9 = 17, ये हमारे साथ आ जाएगा 6i + 17j। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 11 में हमने पार्ट 1 भी सॉल्व किया और पार्ट नंबर 2 भी हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे साथ है पॉइंट अल्फा, इसमें अल्फा की कीमत मालूम करना है।
प्रिंट में हमारे साथ है अल्फा, मालूम करें एफ अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस वन जे प्लस टू के मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, फाइंड अल्फा सो दैट अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस वन जे प्लस टू के मैग्नीट्यूड या मॉडुलस इज इक्वल टू थ्री। तो इसका जब मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू नाइन, थ्री स्क्वायर हो जाए सॉरी इज इक्वल टू थ्री, इसका मैग्नीट्यूड हमारे साथ थ्री के बराबर है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस इसको हम ओपन करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा प्लस वन प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री। तो टू अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा प्लस फाइव अंडर द रूट इज इक्वल टू थ्री, स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो टू अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन। तो टू अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा प्लस फाइव माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। तो टू अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, इसमें हमारे साथ टू कॉमन है तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे साथ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बोथ साइड डिवाइड बाई टू, तो ये हमारे साथ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब हमारे साथ इसकी इस दोनों के प्रोडक्ट से आता है माइनस टू अल्फा स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिससे हमारे साथ अल्फा आता है अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा माइनस अल्फा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। टू अल्फा माइनस अल्फा से अल्फा आता है और टू अल्फा और माइनस अल्फा की मल्टीप्लीकेशन से माइनस टू अल्फा स्क्वायर आता है। इसमें अल्फा कॉमन है तो अल्फा प्लस टू रहता है, माइनस वन कॉमन है तो अल्फा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो अल्फा प्लस टू इन टू अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो अल्फा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस टू और अल्फा इज इक्वल टू वन, तो अल्फा के लिए हमारे साथ माइनस टू आ गई और हमारे साथ वन आ गई। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 13 हमारे साथ है इफ यू इज इक्वल टू यू हमें गिवन है यू वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4 के, v हमारे साथ है माइनस i प्लस 3j माइनस के, और w हमारे साथ है i प्लस 6j प्लस जेड के, टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के माइनस आई प्लस थ्री जे माइनस के आई प्लस सिक्स जे प्लस जेड। पॉइंट द वैल्यू रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, पॉइंट द वैल्यू ऑफ जेड, अगर ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल हो तो जेड मालूम कर ले। ठीक है, फर्ज करें हमारे साथ यू है, यू हमारे साथ फर्ज करें ये है। ठीक है, यू हमारे साथ टू आई प्लस थ्री जे ये यू हो गया और ये हमारे साथ वी है। ठीक है, वी हमारे साथ यू वी गिवन है एग्जैक्टली इधर। ठीक है, और ये हमारे साथ डब्ल्यू है। ठीक है, तो अगर हम इधर देख ले ट्राइंगल को तो डब्ल्यू हमारे साथ बराबर है यू प्लस वी का, यू प्लस वी का। ठीक है, तो डब्ल्यू की जगह मैं पुट करता हूँ आई प्लस सिक्स जे प्लस जेड के इज इक्वल टू यू हमारे साथ है टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के और वी हमारे साथ है आई प्लस सिक्स जे प्लस जेड के। तो आई प्लस सिक्स जे प्लस जेड के इज इक्वल टू टू आई प्लस आई हमारे साथ आता है थ्री आई प्लस थ्री जे प्लस सिक्स जे हमारे साथ नाइन जे आता है
आवर प्लस हम 4k प्लस जेड के हमारे साथ आता है जेड प्लस 4k, ठीक है। बाय कंपेयरिंग हमारे साथ k और k बराबर होंगे, तो बाय कंपेयरिंग इधर हमारे साथ टू w इज इक्वल टू यू प्लस वी, ठीक है। तो i प्लस 6j प्लस z के इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, और ये माइनस है, माइनस आई वी हमारे साथ क्या है, माइनस आई प्लस 3j, मैंने गलत लिखा है, माइनस आई प्लस 3j और माइनस के, ठीक है। तो ये मेरे साथ आ जाएगा आई प्लस 6j प्लस जेड के हमारे साथ आ जाएगा, 2 माइनस आई से हमारे साथ आई आ जाएगा, 3j प्लस 3j से 6j आ जाएगा, और 4k माइनस के से हमारे साथ 3k आ जाएगा, ठीक है। अब आई दोनों बराबर है, तो आई के बराबर है 6j 6k की, और जेड के 3k के बराबर होगा, तो बाई कंपेयरिंग जेड की वैल्यू हमारे साथ होगी 3, तो जेड हमारे साथ मालूम। तो क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 13 था, ठीक है, हमारे साथ साल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 साल करते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे साथ है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर, ए का हमारे साथ है 2i, ए का हमारे साथ है 2i माइनस जे प्लस के, बी का हमारे साथ है 2i माइनस 3i प्लस जे, सी का हमारे साथ है 2i प्लस 4j माइनस के, प्लस 4j माइनस के, 2i प्लस 4j माइनस 2k, और डी का हमारे साथ है माइनस आई माइनस 2j प्लस के। शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी, साबित कर ली कि ए बी हमारे साथ पैरेलल है सी डी का, ठीक है। तो हमारे साथ ए बी सी डी, ठीक है, हमारे साथ परस करें, ये ऑरिजन है, ठीक है, हमारे साथ ये ऑरिजन है, परस कर, ये ए है हमारे साथ, ये ए है, तो ए हमारे साथ, ये हमारे साथ परस करें ए है, और ये हमारे साथ बी है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ए 2i माइनस जे प्लस के, ठीक है, और बी हमारे साथ है, तो हमारे साथ ये हमारे साथ ए बी होगा, ये हमारे साथ क्या होगा, ए बी, ये हमारे साथ ए बी होगा, ठीक है। इस तरह हमारे साथ फर्ज करी, ये सी है, ये हमारे साथ डी है, तो ये हमारे साथ सी डी होगा, ठीक है। तो ए बी हमारे साथ बराबर है, ए बी हमारे साथ है बी माइनस ए का, ए बी हमारे साथ है बी माइनस ए का, विच इज इक्वल टू बी हमारे साथ है 3i प्लस जे, और माइनस ए 2i माइनस जे प्लस के, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3i माइनस 2i से हमारे साथ आता है i j, और माइनस माइनस j से हमारे साथ आता है 2j, ठीक है, और इधर हमारे साथ k 0 है, तो इधर हमारे साथ माइनस k आता है, ये हमारे साथ ए बी है। इस तरह सी डी हमारे साथ बराबर है डी माइनस सी का, तो डी हमारे साथ है माइनस आई माइनस 2j प्लस के, और माइनस सी हमारे साथ है 2i प्लस 4j माइनस 2k, तो सी डी हमारे साथ आ जाएगा माइनस आई माइनस 2i, इसे आएगा माइनस 3i, ठीक है, और माइनस 2i माइनस 4, तो इसे हमारे साथ आ जाएगा माइनस 6j और प्लस के और प्लस 2k, तो हमारे साथ इसे आ जाएगा प्लस 3k, ठीक है, ठीक है। तो CD will be parallel to AB if CD is equal to alpha into AB, ठीक है। तो CD हमारे साथ है माइनस 3i माइनस 6j
प्लस 3k इज इक्वल टू, इसमें माइनस 3 कॉमन लेता हूँ तो ये मतलब बन जाएगा i प्लस 2j और प्लस k। तो अगर हम i प्लस 2j प्लस k चेक कर लें तो हमारे साथ ये असल में ए बी है, इसका मतलब ये है ये हमारे साथ सी डी हो गया, वेयर सी डी इज इक्वल टू, वेयर सी डी इज इक्वल टू माइनस 3i माइनस 6j प्लस 3k। इसी तरह ए बी इज इक्वल टू ये और ये हमारे साथ ए बी हमारे साथ सेम है, i प्लस 2j i प्लस इसी अगर में माइनस का मतलब ये माइनस हो जाएगा i प्लस 2j माइनस k और अल्फा हमारे साथ आ जाएगा माइनस 3। ठीक है, तो ये हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है इसी फॉर्म में हमने लिख लिया, इसका मतलब है कि सी डी और ए बी पैरेलल है। ठीक है, सो सी डी इज अ पैरेलल टू ए बी, रिक्वायर्ड क्या था कि आप प्रूव करें कि ए बी और सी डी एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया और एक्सरसाइज 3.2 हमारे साथ कंप्लीट हो गया।